जा पढ़िया करना। तू राजदार खफी जली है जिधर भी देखो। उन अली दा मुरीद हाथ चुके मेरे नाल अली अली दा विरद करे। तू राजदार खफी जली है जिधर भी देखो, जिधर भी देखो अली अली है जिधर भी देखो। अली अली है तू राज़दार खफी जली है जिधर भी देखो। अली अली है गवा मदीने की हर गली है जिधर भी देखो। अली अली है। बानियाने महफिल अजीजुल कदर हाजरीनों सामीनों सामियात अजदा ए पाकीज़ा इज्तिमा बसिलसिले सालाना अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आदिश गांव चक नंबर 268 अडाला सिंह गोजरा रोड डिचकोट समुद्री के अंदर इनेकाद पजीर है। मैं शुक्रगुजारा अजदी इस महफिल मुबारक दे बानी अजीज मुहतरम जनाबे गुलाम मुस्तफ़ा संधु साहिब जिन्होंने हर साल की तरह बड़े तुझको एहतशाम नाल इस महफिल मुबारक का अहतमाम फरमाया। बशारत अली खारा साहिब, मोहम्मद जावेद टेलर मास्टर और दीगर तमाम मोहम्मद नुमान गिल, इन तमाम अहबाब ने इस महफिल मुबारक का अहतमाम फरमा के मैनों और आप अहबाब नूं रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र खैर दा मौका मुयस्सर फरमाया। दुआ है कि अल्लाह करीम उन हालातों का सदका जिहड़ियां करबला वाले ने करबला च गुजारियां, अल्लाह मेरी और आप अहबाब दी अज दी रात कबूल फरमा के साडे सारे वास्ते जरिए निजात बनाए। हाफिज जी भी तशरीफ लिया ने फैसलाबाद तो और हर महफल से तशरीफ लेके आते डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहेब, भाई जफर इकबाल साहेब, मलिक मोहम्मद आरिफ साहेब, जनाबे अजीजम मोहम्मद वसीम साहेब, मोहम्मद नबी साहेब, कारी निसार साहेब और ये तमाम रुफका मोहम्मद असद बच्चा माशाल्लाह समुद्री तो सारे अहबाब फैसलाबाद समुद्री और कुर्बो जवार के इलाके तो चौक दर चौक तशरीफ लेके आए। रब तआला दी बारगाह च दुआए अल्लाह ताली सारे दी हाजरी नबी पाक दे जोड़े पाकां दी खैरात च कबूल फरमा लवे। भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहिब ने हर साल जदों भी माया माशाल्लाह बेशुमार सारियां मुहब्बतां दा अकीदतां दा सबूत दिता। अज जो ही रोड तो नीचे से ढले हैं तो मैं देखा माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लाइटिंग और बड़ा दूर दराज तो पता लग गया कि इतने नबी पाक दा कोई मिलाद हो रहा है। अम्मा हलीमा दे बेड़े दा सदका अल्लाह तुहाडे बेड़े नूं हमेशा आबाद ते शाद रखे जी। हजूर दा मिलाद मनांदे हो, यकीन करो बड़े खुशबख्त लोग हो, बड़े खुशबख्त हो तुसीं कि अल्लाह करीम जिंदगी दी इस मुबारक रात नूं हजूर दे जिक्र च गुजारन दी तौफीक अता कर दे। इलेक्शन दे दिन ने तुसीं देख रहे हो कि यकीनन सियासी जलसे भी हो रहे हैं, लोग सियासी जलसियां ते भी कसीर तादाद च जा रहे हैं, मगर कितनी खुशबख्ती है कि असीं हजूर दे मिलाद च बैठे हैं। रात सर्द हवा तेज चल रही है, तुसी सर्दी के मौसम में नींद कुर्बान करके बिस्तर नरम ते गर्म छोड़ के आयो, दुनिया दी सारियां आसाइशां कुर्बान करके ठंडी जमीन ते बैठे हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सारे सोशल मीडिया छोड़ के आयो, फिल्म, ड्रामे, गाने सब कुछ छोड़ के आयो। यकीनी तौर पर तुहानूं उह सारियां चीज़ां चो सुकून नहीं मिलिया जिहड़ा तुसी जिक्र मुस्तफा विच लैण वास्ते आयो। सारी रात नौजवान जदों जागते हैं और नबी पाक दा जिक्र खैर करते हैं, मेरा बहुत बड़ा कलेजा हो जाता देख के कि शुक्र अलहमदुलिल्लाह मेरी मिलत के नौजवानों को अल्लाह करीम ने ज़ौक़ अता फरमाए कि अज भी जिथे जिक्र मुस्तफ़ा हो सारे इकट्ठे होकर तशरीफ ले आते हैं। तो मैं तुहानूं सारे भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहिब, तुहाडी सारी टीम नूं और सारे गाँव वाले नूं मुबारकबाद पेश करना। अल्लाह करे ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहे। रब ताला हमेशा मिलाद शरीफ मनाने की तौफीक अता फरमाए। अज दा उनवान चुके शुहदा करबला खुसूसन हजरत सैयदना शहजादा अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत मुबारक दे मुतल्लिक़ है, तो मैं इंशाअल्लाह इसे ही उनवान ते गुफ्तगू अर्ज़ करनी है। मैनू बाज़ लोग कहते हैं कि आसी साहब थोड़ी तकरीर च दर्द बड़ा आता या सुनी नहीं जाती या असी रोने हूँ भी मेरे कान च एक नौजवान कह रहे थे जी अथरू आने चाहिए ने रोना चाहिए। मैं इंग्लैंड साथ जी गड्डी च मैं सफ़र कर रहा सा तो नौजवान कहता है हजरत मैं थानू थोड़ी तकरीर सुनावा। मैं कह यार सच्ची गल है भी मैं कभी अपनी भी तकरीर नहीं सुनी अपनी जिंदगी च नहीं कदे सुनी किसी दी ते दौर किनार अपनी भी तकरीर कदे नहीं सुनी और मेरे नाल जिहड़े सफ़र करदे ने गवाह ने कि मैं वाकई कदे तकरीर नहीं सुनी अपनी भी नहीं सुनी। तो वह कह लगा सी सर मैं थानू तकरीर सुनानी है तुहाडी। दौरान सफ़र लंबा सफ़र से मैं कहा जी लगा दो कोई उन्हें गड्डी च लगा देती वो शहजादा अली अकबर की शहादत सी। यकीन करो मैं 10 मिनट तो ज़्यादा अपनी तकरीर खुद नहीं सुन सकिया। मैं क्या भाई बंद कर दे मेरा कलेजा फट जाना है इतना दर्द या इतना दर्दनाक किस्सा है कि मैं खुद ही बयान किया मगर मेरे को नहीं सुनया जा रहा। तो मैं आख्या भाई जब मेरे को नहीं बर्दाश्त हो रहा तो मैंने नहीं पता कि सुनन वाले किंज सुन लेंदे होणगे। वाकई करबला इतना दर्दनाक किस्सा है तो इन्होंने मैंने उही अज जिम्मे लगाया कि शहजादा अली अकबर की शहादत ही तुसा बयान करनी है। तो मैं इंशाअल्लाह वो आप अहबाब दे गोश गुजार कर देना। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयात बय्यिनात तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इन आयात में रब तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना फरमाया ए इत्मीनान वाली जान ए सुकून वाली जान इरजई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया लौट अपने परवरदिगार वाल इस हालत विच कि तू उहदे ते राज़ी है और तेरे ते राज़ी है। फदखुली फी इबादी फरमाया फिर मेरे बंदे च दाखिल हो जा वदखुली जन्नती और मेरी जन्नत च दाखिल कर। शायद मुबारक के अंदर अल्लाह ने नफ्स मुतमइन्ना को मुखातब फरमाया फरमाया ए नफ्स मुतमइन्ना ए सुकून वाली जान। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब फरमाया खबरदार बेशक अल्लाह का जिक्र ही दिलों का इत्मीनान है। अल्लाह ने उन्हों मुखातब किया जो इत्मीनान की दौलत पा चुके फरमाया अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। गौर किया कि इत्मीनान किनू कहते हैं। इंसान को लखा करोड़ा रुपया भी होवे कोठी भी होवे कार भी होवे औलाद भी होवे बीवी भी होवे दुनिया दी सारी आसाइशां मौजूद होवन मगर अंदर दिल विच सुकून ना होवे तो इंसान नूं महल भी महल नहीं लगदा। ते होवे कखां दी कुल्ली ते अंदर होवे सुकून कुल्ली महल नाल भी सोहनी लगती है। मालूम हो गया कि कोठी दौलत नहीं सुकून दौलत है। जिन ये दौलत मिल जावे सुकून दी दौलत मिल जावे और सुकून इंसान दौलत नाल शोहरत नाल इज्जत नाल नहीं मिलता। भाई गोश्त वाली दुकान तो गोश्त मिलता है कपड़े वाली दुकान तो कपड़ा ही मिलता है। अगर इंसान कपड़े वाली दुकान तो गोश्त खरीदन चला जाए और गोश्त वाली दुकान तो कपड़ा खरीदन चला जाए तो नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमांदा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब अल्लाह फरमांदा कि दिलों का इत्मीनान ते सुकून बस अल्लाह दे ज़िक्र दी दुकान है। जिन्हें सुकून लेना उन्हें अल्लाह ते रसूल दा ज़िक्र वाल आना पवेगा। आ तुसीं महफिल च आयो तुसी इतनी देर बैठे हो तो शरीफ फरमाओ अद्धी रातों रात गुजर गई। तुसी फेसबुक भी कर सकते सो व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर सकते हो फिल्म ड्रामे भी माजल्ला वेख सकते सो वक्त है सी मगर तुहानू पता सी उत्थे सुकून नहीं मिलना। मैनू जिक्र मुस्तफा च सुकून मिलना है। उस सुकून लैन वास्ते तुसी महफिल च तशरीफ ले आए। तो अल्लाह करीम ने इस आयत च मुखातब किया नफ्स मुतमइन्ना नू जिन्नू सुकून मयसर है। हम इत्मीनान किनू कहते हैं। हजरत अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को मुसीबत और परेशानी के बाद जिहड़ी पहली खुशी मिले उन्हें इत्मीनान कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इन्न मअल उसरि युसरन इन्न मअल उसरि युसरा। अल्लाह ने फरमाया हर तंगी के बाद आसानी है फिर हर तंगी के बाद आसानी है। इधर भी उसर इधर भी उसर विच एक युसर यानी इधर भी परेशानी ते इधर भी परेशानी विच एक खुशी। अल्लाह ने एक खुशी दो परेशानियां दे दरमियान रखी है। इस वास्ते इंसान की जिंदगी च परेशानियां ज्यादा होंदियां ते खुशियां थोड़ियां होंदियां ने, मगर वो जिहड़ियां खुशियां इंसान थोड़ियां मिलदियां ने वो इंसान दी खुशियां ओदे गम भुला दिंदियां ने। मियां साहब फरमाते ने दुख सदा सुख कद कदाई। इंसान के दुख ज्यादा खुशियां थोड़ियां, मगर वो खुशियां इंसान के दुख भुला दिंदियां, गम भुला दिंदियां। तो खुशी जिहड़ी इंसान नूं गम दे बाद मिले, अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते ने उन्होंने इत्मीनान कहते हैं। मगर हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपत मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी के अंदर लफ्ज़ इत्मीनान की तफसीर करते हैं, फरमाते हैं आप फरमाते हैं कि इंसान की अख के सामने उसकी सारी कायनात लुटी जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, उस गम की कैफियत अंदर इंसान अल्लाह के जिक्र च सुकून मिले, इंज सुकून मिले जिवें मछली नूं पानी च सुकून मिलता है, उन्हें इत्मीनान कहते हैं। अगर मैं लफ्ज़ इत्मीनान की तशरीह करा कुरान ते हदीस चों तो बड़ा वक्त दरकार है। बस आखिरी कलाम इस हवाले दा ए वे कि हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत फरमाते ने कि अख दे सामने कायनात लुटी जावे ते उस हालत दे अंदर इंसान नूं अल्लाह दे जिक्र च सुकून मछली दे पानी दी तरह मिले, उन्होंने इत्मीनान कहते हैं। आइए हुण ए आयात बय्यना सामने रखिए ते करबला च इमाम हुसैन दा किरदार वेखिए, क्योंकि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अल्लाह फरमांदा अगर किसी चीज दा इल्म ना होवे ते अहल ज़िक्र कोलों पुछया करो। मौला अली फरमांदे ने नहनु अहल ज़िक्र, फरमांदे ने असी अहल बैत रसूल ही अहल ज़िक्र आं। कौनैन वाली ने फरमाया कुरान अहल बैत दे नाल है ते अहल बैत कुरान दे नाल ने, यानी जे तेनों अहले बैत की अदमत की समझ ना आवे तो कुरान पढ़, कुरान तेनों मुहम्मद की आल की अदमत सुनावेगा, तो जे तेनों कुरान की समझ ना आवे फिर मुहम्मद की आल के बूहे ते आ जा, ए तेनों कुरान समझावणगे। मैं ते तुसा किसी कारी कोल, किसी हाफिज कोल, किसी आलिम कोल कुरान पढ़िया, हुसैन ने तो उस अम्मी कोल कुरान पढ़िया जिहड़ी अम्मी ने मुहम्मद तो कुरान पढ़िया है, फिर हुसैन तो वध के कुरान समझण वाला कौन हो सकदा है। आइए आयात बय्यनात लेके करबला चलिए तो इमाम हुसैन को पूछ के आइए सोने ये नफ्स मुतमइना किनू कहंदे ने। हुण पढ़िए कुरान भाई, सुभान अल्लाह कहोगे ना भला, मैनू सुभान अल्लाह बोल के विखाओ किवें कहोगे भला, इन्हां नाल ते गुजारा नहीं होना, एक कोशिश होर करो भला, नहीं हाथ भी चुकना मैनू पता लगे मैं जूंदे जागदे च बैठा। भाई स्टेज वाले सुने शाम दा तुसी नहीं बोले यार, हैं मेहरबानी करो जरा थोड़ा जा हाथ चुके ना उच्चा जा बोले सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना सारे स्टेज वाले आमीन कहन, मेरी दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह जरा उच्चा जो सुभान अल्लाह फरमाए इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आओ। ए हाथ नहीं तुसी चुक रहे भाई बेली, ए नाल दा बेली सहारा कराओ ना, या अल्लाह जरा इस तो उच्चा बोले इस साल रमजान शरीफ च पूरा टब्बर ही उमरा करके आओ। या अल्लाह जरा इस तो उच्चा बोले अज रात सोए खाब विच कमली वाला ही आ जावे। तेरा की जांदा जरा इस तो उच्चा बोले जागदे महफल च सोने दा दीदार करा दे। आ हुण काम इत्थे रखिया जी, तुसी हर साल बड़ी सुभान अल्लाह कहदे हो, हर साल ही बड़ा सोहना इहतमाम करदे हो। मैं हर साल ही बड़ा सोहना जौक लैके इत्थों जाना। अल्लाह ताला ए नौजवानियां ते जवानियां ते पेशानियां नूं चमकदा रखे ते जवानियां बेदाग रखे हमेशा। सुनिए कुरान, अल्लाह ने रज़ा फरमाया अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। परवरदिगार ने फरमाया ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली जान, ऐ सुकून वाली जान। हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपत फरमाते हैं इंसान की अख के सामने सारी कायनात लुटी जावे, उस कम की कैफियत इंसान अल्लाह के जिक्र च सुकून मिले जिवें मछली नूं पानी च सुकून मिलता, उन्होंने इत्मीनान किया जाता है। नौजवानों आओ जरा ते सामने रखिए इमाम हुसैन का किरदार देखिए, मेरे इमाम का काफिला मदीने तो मक्के वाले जा रहा हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा जेड़े वेले काफिला मक्के पहुंचे आओ हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा काफिला मक्के तो करबला वाले जा रहा हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा तीन मुहर्रम नु करबला डेरे लगे गए नौजवान हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा सत मुहर्रम नु पानी बंद कर दिता गया मेरा हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा दस मुहर्रम की फजर खुलू हो गई हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा नौजवानों ओदे अकबर की लाश तड़प गई हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा अब्बा दे बाजू कटे गए हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा ओदे अस्कर से हलके ते तीर लग गया हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा ओनू मुहम्मद कुर्बान हो गए हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा ओदी निकी जी सकीना भी रोंदी है हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा पता नहीं करबला दे मैदान हुसैन अल्लाह के जिक्र च कितना सुकून पिया मिलदा है कि सिर नेदे दी नौक ते चढ़िया है वो अल्लाह का जिक्र करी जा रहा है करी सिर नेदे दी नौक ते भी चढ़िया तो रब दा जिक्र करी जा रहा है पता नहीं करबला च हुसैन अल्लाह का जिक्र च कितना को सुकून मिलया सारी कायनात अख दे सामने लुटी गई और वो अल्लाह का जिक्र करी जा रही इनू कहंदे ने इत्मीनान ते सुकून सुकून अल्लाह का जिक्र च सुकून सारा कुछ लुटिया गया और जिदा मदीना छुट जाए अज जेड़ा 21 दिन का पैकेज लगवा के जावे ना उमरा करन ते ओ 21 दिन बाद जदों मदीने ते टुरदा ते ओदियां हावां ते चीखां निकल जांदियां और जेड़ा 21 दिन मदीने रह के आवे ओदे कोल ते मदीना छड़िया नहीं जांदा ते जिदा बचपन मदीने होवे और जिदी जवानी मदीने होवे जिदा फड़ेपा मदीने होवे और जिदी मां ज़हरा मदीने होवे जिदा वीर हसन मदीने होवे जिदा नाना मुस्तफा मदीने होवे और जिदा सारा कुछ ही मदीने होवे उस हुसैन ने पता नहीं किवें मदीना छड़िया अकबर दी जवानी लुटी गई कासिम दी पसलियां टुट गईयां पर ओ नहीं डोटिया वो अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा मेरा दिल करदा मैं दा तर्जमा पीर बाहू को करवा के देवां सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह बे मुर्शद लाल मैं नहीं बोलता मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह आरफा दे सुल्तान ने फरमाया आशिक होवे दिल रखी बागे कहा कमावे ते दिल रखी वांग पहाड़ा इश्क सौखा नहीं ना इश्क सौखा नहीं सारा कुछ लुटा के यार बनाना एक करबला तू सीखे एक हुसैन तू सीखे मेरा दिल करता मैं कहना एक चक्कर निका जा मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार तो लगवा के लिया यार थोड़ा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह कैमरे लगे ने भाई सतार साहब ने भी माशाल्लाह 3 स्टार है ना ASTV हाँ ASTV इन्हां दा एक वेखो ना किन्ने टीवी वाले ने कैमरे लगवाए ने माशाल्लाह इन्हां ने हुणे जाके तकरीर अपलोड कर देनी ते तुहानू पूरी दुनिया वेख लेना है ते मैं फिर भी इंग्लैंड ते यूरोप भी जाना है ते उन्हां सारे आखना सी साहब साडे कोल इन्नी सुभान अल्लाह करवा गई ते फैसलाबाद वाले तुहाडे कोल बोलदे ही नहीं कैमरे दे जरिए पूरी दुनिया पैगाम पहुंचाओ वाला तुसीं जिक्र हुसैन ते किवें सुभान अल्लाह कहदे हो जिदा मुर्शिद अली है ना ओ बोले सुभान अल्लाह ते अली ते होवे जड़ा सारे पीरां दा, भाई सारे पीरां दा पीर है ते जिदा पीर अली हो। बोलो सुभान अल्लाह, हाथ हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। आर दे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, उठ दिला चल ढूंढन चलिए यार खरी नहीं मिल दे बिन तकलीफों लब देना ही जो महरम देना ही जो महरम मैं दिल दे दुनिया सा परमद दिल कहता ए दिल कहता दिल भरनो मिलिए ते पुन कबाब खवाइए। इश्क सौखा नहीं, इश्क सौखा नहीं। तन दिया बोटियां ते हड्डियां दिया सीखां ते पुन कबाब खवाइए। मियां साहब फरमांदे ने, उठ दिला चल ढूंढन चलिए यार घरी नहीं मिलदे। जे यार एवें लभ जांदा ते हुसैन नूं करबला दी लोड़ केड़ी सी। पता लगे यार घरी नहीं लभदे ते बिन तकलीफों लभदे नहीं जो महरम ने दिल दे। मेरे मिल्लत नौजवानों, बिजकोट वालों, समुद्री वालों, चक वालों, कुर्ब जबार तो तशरीफ लेके आने वालों, भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहिब, मेरा दिल करदा है शहजादा अली अकबर दा ते जिक्र करना ही करना है। पहले जी आफत जी आफत जी परसों चौथ मैं फिर आना फिर कर देना तो लैके जावे। सुभान अल्लाह फरमाओ सारे, मैं मुड़ वापस चला। नौजवानों, मेरा दिल करता चूंकि 2-3-4 दिन पहले मौला अली दा विलादत पाक दा दिन भी गुजरिया। पहले अली अकबर दे दादे दा जिक्र ना कर लिया थोड़ा जिहा, फिर शहादत वाल चलांगे जी आखिर ते। ठीक है, तवज्जो है मेरे वाल सारे दी। पहले मौला अली दा जिक्र करने हैं, फिर अली अकबर दा जिक्र करांगे। मौला अली और मुर्तज़ा शेरे खुदा हैदर करार दा चुके खानदान इशारा इश्क दे इम्तिहान देंदा गुजरिया ना। इब्राहिम खलीलुल्लाह तो टुर पई ते करबला दे मैदान तक सारे इम्तिहान इस ही खानदान ने दिते ना। नौजवानों, मौला अली और मुर्तज़ा शेरे खुदा दी विलादत तैयबा दा दिन गुजरिया। मौला अली जदों अपनी मां दे शिक में चाहे ना, अपनी मां फातिमा बिनते असद हुजूर दी चाची जान, नबी करीम ने चाची नूं मिलन आउणा ते चाची ने उठ के खड़िया हो जाना। ते एक दिन नबी करीम ने फरमाया, चाची जान तुसी मेरी मां लगदे हो। ते मां आवे ते पुत्र उठ के खलोंदे ने, पुत्र आउण ते मावां नहीं उठ के खलोंदियां। तुसी मेरी चाची भी हो ते मावां वर्गी चाची हो, ते तुसी उठ के ना खलोया करो। मौला अली दी अम्मी कहण लगियां, वे कमली वालिया, वे कमली वालिया मैं तेरे ना ही उठ के खड़ी आवां। पर सोनिया जड़े वेले बेड़े दे अंदर ही आ जाना है। आ जड़ा बच्चा मेरे शिकम दे अंदर है, ए मेरे पेड़ जी अकड़ जांदा है, ए मैनू बैठण नहीं देंदा। कहंदा है मैं उठ के खड़ी हो जा, वेख नबियां दा ईमान, वेख नबियां दा ईमान। माया ए ओ अली है जड़ा मां दे शिकम विच भी नबी दा अदब करदा है। नौजवानों, इसे महीने दी 13 रजबुल मुरज्जब दी रात मौला अली दी अम्मी जान ते नबी करीम इकट्ठे तवाफ काबा पे करदे ने। काबे दा तवाफ करदे चौथे चक्कर दी वारी आई। नबी करीम ने वेखिया चाची दा चेहरा सुर्ख हो गया, बड़ी तकलीफ दे आसार ने। मेरे आका ने फरमाया, चाची जी खैर है? अर्द याद कर दिया मैं सोने इंज लगता बच्चे की वलादत का वेला आ गया है। नबी करीम ने फरमाया चाची जी तवाफ मुकम्मल करो। अर्ज कर दिया लगता तवाफ मुकम्मल नहीं किया जाना। फरमाया चाची जी घर लगिया आ जाओ। अर्ज कर दिया लगता घर भी नहीं जाया जाना। अचानक काबे की दीवार फट गई, नाले आवाज आई अपने घर नहीं जा सकती, आजा मेरे घर आजा मेरे घर। मौला ले दिया बोलो सारे सुभान अल्लाह। दीवार काबा फट गई ते आवाज आई अंदर आ जा। हुन मेरा दिल कर देते देख फरीद दी गल सुनावा। हजरत ईसा अलैहि सलाम दी विलादत दा वेला आया ना ते ईसा दी मां मरियम अलैहि सलाम उस वेले बैतुल मकदस किबला अव्वल मस्जिद अक्सा दे हुजरे च एतकाफ बैठियां। अचानक जिब्रील आए ते मरियम हुजरे च बैठ के ते फरमा लगी तू कौन है? कहने लगा इन्नमा अना रसूल रब्बिक की गुलामन जकिया। कहन लगा कि मरियम मैं तेनों पुत्र देना आया, मैं अल्लाह दा के पैगाम लेके आया ते मैं तेरे बार रसूल बन के आया, पैगाम लेके आया ते मैं तेनों पुत्र देना आया। जिब्रील ने फूंक मारी ते ईसा मां दे शिकमे च आ गए। अगले लम्हे विलादत का वेला आ गया। तीसरे लम्हे विलादत हो भी गई। हुन मरियम परेशान के बच्चा कित्थों आ गया? अगे की होया पढ़ा कुरान बोले नहीं मैं कि पढ़ दे अजे मैं शुरू होया पेड़ा बड़ा लंबा मैं करबला तक लेके जाना। मदीने तो करबला जाना तो फिर करबला खुलो के मैं तुहानू फिर शहजादा अली अकबर सुनाने। अल्लाह ने रिजा फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्रिन नख़ला तुसाक़ितु अलैकी रुतबन जनिया। अल्लाह ने फरमाया मरियम जरा किबले जो बाहर आओ और खजूर की छावे आके पुत्र जन्म देने लाए। नौजवानों 268 वाले कुर्बो जबार दे आने वाले हो। जो ईसा की वलादत का वेला आया माँ किबले जो बैठी है आवाज आई बाहर आ जा बाहर आ जा बाहर आ जाओ। जो अली दी वलादत का वेला आया मां बाहर बैठी है आवाज आई अंदर आ जा अंदर आ। तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी जड़े समझ आई हो बोले सुभान अल्लाह। ईसा दी मां नूं बाहर बुलाया जा रहा है ते अली दी मां नूं अंदर बुलाया जा रहा है। मैं दा तर्जमा ज करया करना काबे च विलादत हैदर दी मस्जिद च शहादत हैदर दी। हुन हैदरी बंदा बोले हैदर मेरा ईमान है कि कमजोर ईमान ते कमजोर जिस्म दा बंदा जिक्रे अली नहीं कर सकता। हुन तुसी पूछोगे आसी साहब कमजोर ईमान वाला ते नहीं कर सकता पर कमजोर जिस्म वाला क्यों नहीं कर सकता? ते कदे गौर कीता होवे चक वालेओ सिंगल पसली बंदा होए कमजोर जिहा ओ मन वजन चुकना चाहे ते चुकया ना जावे ते चुकदा चुकदा खिन या अली तो माड़ा जा बंदा मन वजन चुक जाता है। कदे गौर कीता है अली दा नाम अज भी कमजोरां दा जोर बन जाता। अली दा मारिए नारा जंगा दा नक्शा ही होर बन जाता। पाकिस्तान च जड़ा सब तो बड़ा बहादुर होंदा ना उन्होंने निशाने हैदर दिता जाता है। ते मेरे नबी ने फरमाया अली दा चेहरा वेखना इबादत है। तो किसी को ख्याल आ ही सकता सी असी तो 1500 साल बाद आए हैं, असी अली दा चेहरा वेख इबादत किवें करिए। तो मेरे नबी ने कम सौखा कर दिता, फरमाया जिक्र अली ने इबादत, फरमाया अली दा जिक्र भी इबादत है। हुण जेड़ा अली दा जिक्र करके इबादत करना चाहता बंदा हाथ खड़ा करे, करे खड़ा भाई सारे सारे जेड़ा जेड़ा दिल करदा है। हुण इंज हाथ चुके सारे बोलो मैंने जो पढ़िया करना काबेच विलादत हैदर दी मस्जिद च शहादत हैदर दी इरशाद हकमली वाले दा हबीब इबादत हैदर दी। नौजवानों जड़े वेले कमली वाले अकल सलाम खबर मिली सुने अल्लाह बड़ा सोना वीर दिता है। मेरे नबी खरामा खरामा चाची दे बेड़े आए, फरमाया चाची जी ले आओ मेरा वीर मेरी गोदी दे अंदर दे दियो। अली दी मां ने अली नू नबी दी गोद च रखा, नाले रो पईया। सरकार ने फरमाया चाची जी रोंदियां क्यों आओ? अर्ज कीती वे कमली वाले आ किन दिन गुजरे बच्चा दुनिया ते आया अखां नहीं खोलदा, ओदे दियां अखां ही कोई नहीं। मेरे आका ने फरमाया ले आओ चाची जी मैं चेक कराओ। अली नबी दी गोद अंदर आए, अली ने आके खोल के नबी दा चेहरा देखया। मेरे आका ने फरमाया चाची जान तुसी कहंदे हो अखां कोई नहीं, एदियां अखां वर्गियां ते अखां ही कोई जेड़ी अख नबी ने वेख्या बाज खुले ही ना, उस अख वर्गी अख केड़ी हो सकती है? फरमाया दे वर्गियां ते अखां ही कोई नहीं। हुन अली ना रुख मुस्तफा वेखी जा रहे असी लखां रुपया लगा के काबा वेखण जाने हां। ए उमरे दा टिकट होवे ते जिदा निकल है ओदियां खुशियां वेखियां तो यार असी लखां रुपया लगा के काबा वेखण जाने हां। उस अली दे जोके इबादत तो सदके ना जावा जिहड़ा पैदा काबे दे विच होया, 3 दिन काबे दे विच रहा तो उन्हें अख खोल के काबा वेखिया ही नहीं। आख्या काबा तेनों सारी जिंदगी पे वेखांगे, पहले तेरा काबा ते वेख लेंगे, पहले तेरा काबा ते वेख लेंगे। उस अली दे जोके इबादत तो सदके एवें नहीं। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया पहली पौड़ी भाई पहली पौड़ी इश्क तेरे दी पुल सिरा ते डेरा लोकी हज मक्के नू जांदे ते मैं मुख वेखां तेरा। अली ने रुखे मुस्तफा नू वेख के दसिया के लोकी हज मक्के नू जांदे मैं मुख वेखां तेरा। एदे ते मैं अगर बहस करता जावां तो मैनू बड़ा वक्त दरकार है। हुण मौला अली दी जदों गुड़ती दा वेला आया ना ते हजूर ने फरमाया चाची जी बच्चे नू गुड़ती दिती कि नहीं? अर्ज कीती सुने तेरे बाजू कौन देवे? मेरे नबी ने अपनी जुबान यूहा अली दे मुंह ते दहाने च रखी ना ते अली जुबान मुस्तफा दे चूसे ले रहे। शेरे खुदा फरमा दे कि मैं ओह अली हां कि आप फरमा दे मैं बचपन च हुजूर दे नाल सोंदा सां ते हुजूर शाम नु मेरे मुंह च अपनी जुबान रख देंदे सन। मैं ओह अली हां जेड़ा सारी रात मुहम्मद दी जुबान दे चूसे लैंदा रहा। यार कदे गौर कीता जे तुसी बच्चा पैदा होवे ना ते शहद दी गुड़ती देने है ना या खजूर दी मिठी गुड़ती? लोग मेरे अकल आके कहते हैं आसी साहब ए वाला शहद दिओ, आ जेड़ा तुसी खांदे हो ना शहद असा बच्चे नू गुड़ती देनी है। साडा दिल करदा साडा बच्चा आसी साहब वर्गा बने। असी दुनियादार बच्चे नू मिठी गुड़ती शहद दी गुड़ती देने। पर मौला अली आए तो जुबान मुस्तफ़ा दी गुड़ती, इमाम हसन आए तो जुबान मुस्तफ़ा दी गुड़ती, इमाम हुसैन आए तो जुबान मुस्तफ़ा दी गुड़ती। या अल्लाह आ जेडे नबी दे घर दे बच्चे ने इन्हों गुड़ती मिठी नहीं देनी। उतो आवाज़ आएगी जग वाले मैं बड़ा कुछ मिठा बनाया पर एडा मिठा मैं भी कुछ नहीं बनाया जिनी मैं मुहम्मद की जुबान ही मिठी बना देती। हुन मौला अली जुबान मुस्तफ़ा दे चूसे लै। तवज्जो है, मैं गल जी तरतीब न लैके आवन लगा उस तरतीब नाल ही सुनावांगा इंशाअल्लाह। मैं अक्सर भाई गुलाम मुस्तफ़ा गल कहना कि साढ़े पंजाब विच बच्चा पैदा होवे ना, मावा पैना बैठियां ने ते माँ का दिल करदा इन्हूं नाना गुड़ती देवे या मामू गुड़ती देवे, है ना, ते बाप का दिल करदा दादा गुड़ती देवे या चाचू गुड़ती देवे, है ना। ते चलदी किदी वो तुहानूं पता ही है, बोले नहीं तुसी पर पता तुहानूं है। ते जे चाचा भुलेखे ना गुड़ती दे ले, भुलेखे ना ली ते बच्चा वड्डा होके शरारत करे ते मां बीबी च बैठ के कहंदी उदों ही आख्या सी उतरा चाचे ते गया। ते जे गुड़ती मामे दी होवे ना ते बच्चा गुड़ती लैके ते शरारत भी करे ना ते मां बीबी च बैठ के बड़ी खुश होके कहंदी माशाअल्लाह मामू ते गया। यानी पंजाब दी मां नूं पता बच्चा गुड़ती ते जांदा है। तो सच्ची दस्सो 268 वाले जिन्हां गुड़ती च मुहम्मद दी जुबान दे चूसे ले सन उन्हां मुहम्मद ते नहीं सी जाना ते होर किदे ते जाना सी, फिर उन्हां नबी ते जाना सी। और जिन्हां गुड़ती च मुहम्मद दी जुबान दे चूसे ले होवन गल सुना देवां जे आखो सुभान अल्लाह। थोड़ा जा होर औला बोलो तुहानूं किधरे नजर ही ना लग जाए, हाथ नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। सुभान अल्लाह। स्टेज वाले तो वैसे ही चौधरी होंदे ने, इन्हां नूं ते कहंदे भी डर लगदा है। जेड़ा अपनी मर्जी नाल आया चुप रवे, जिन्हों लगदा मैनूं हजूर बुलाया ओ बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात एक दिन नबी पाक ने खजूर खा के ना, खजूर खा के अजड़े बच्चे छोटे छोटे बैठे नौजवान इन्होंने मैं एक गल सुनाव लगा प्रीत दी। नबी पाक एक दिन खजूर खा के ना ते गिटक सटी, गुठली सटी, एक बच्चा बैठा उन्हें दौड़ के जाके वो गुठली उठाई मुँह च डाली ते चूस रहा। यार क्या तरबियत कर दिया सन मदीने दिया मावा। उस सवेरे सवेरे पानी के बर्तन भर के बच्चों को कहदियां सन जाओ पानी हजूर को लै जाओ। इधर हजूर फजर की नमाज पढ़ के ते मसले ते बैठना ते बच्चों पानी लैके नबी पाक के कोल आ जाना। नबी पाक ने उस पानी में हाथ डबो देने ते बच्चे पानी घर दे देने ते मामा सारा दिन वो ही पानी इस्तेमाल कर दियां सन जेडे पानी नूं मुस्तफा दे हाथ लग जाते सन। क्या तरबियत मामा कर दियां सन बच्चे ने। मैं सुनाना ना गल कि एक सहाबी दे सिर दे वाल पैरों तक लंबे सन, हजरत अबू मखजूरा। उन्होंने किसी पूछा एडे लंबे वाल क्यों रखे जे? आपने फरमाया बचपन च पिया खेडदा सां, हजूर कोलों गुजरदे मेरे सिर ते प्यार दे गए, मैं सारी जिंदगी वाल ही नहीं कटाए जिन्होंने मुहम्मद दे हाथ लग गए। क्या तरबियत मावा की सी बच्चों दी। बच्चे ना मेरे नबी खजूर खा के सुटी ना ते बच्चे दौड़ के ठा के ना ते गुठली मुँह च डाली ते चूस रहा। नबी पाक नूं बच्चे दी अदाई पसंद आ गई। हजूर हाथ चुक के अर्ज की अल्लाहुम्मा फत्तिहु फिद्दीन, अर्ज की या अल्लाह इस बच्चे नूं दीन दा फहम, दीन दी समझ अता फरमा। ए बच्चा ओ बच्चा जेड़ा वड्डा हो के कुरान मजीद दा पहला मुफस्सिर बनया। ए बच्चा ओ बच्चा जिन्हों तर्जमानुल कुरान कहंदे ने। ए बच्चा ओ बच्चा जिन्हों अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे ने इब्रुल उम्मा, इस उम्मत दा सब तों बड़ा आलिम। ए बच्चा ओ बच्चा जेड़ा उम्र च ते छोटा है पर ओदे कोल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मसला पुछण आंदे ने। ये बच्चा ओ बच्चा है जिहदे बारे मौला अली फरमांदे ने कि जदों कुरान दी तफसीर करदा है ते इंज लगदा जिवें बरीक पर्दे पिछे छुप के खुदा दे राज पिया वेखदा है। ये बच्चा ओ बच्चा है जिन्हों अज दुनिया हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी पाक दे चचा दा पुत्र हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहंदी है। और 268 वाले मैनूं सच्ची दस्सिओ और जिहड़ा नबी दी खजूर दी गिटक चूस लवे वो ते दुनिया दा सब तों वड्डा आलिम बने ते जिहड़ा चूसा ही नबी दी ज़ुबान तो जेड़े चूस के नबी दी जुबान वड्डे होवन उन्हां दे उन्होंने फिर अली ते हसन ते हुसैन कवांगे ना। और जेड़े मुहम्मद दी जुबान दे चूसे लैके पले होवन ओ जिन्हां ने मुस्तफा दी जुबान दे चूसे ले होन। एवें नहीं मेरे नबी फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली जुम्बाबुहा, फरमाया मैं इल्म दा शहरा ते अली ओदा दरवाजा है, अली ओदा दरवाजा है। मैंने जे पढ़िया करना तू राजदार खफी जली है जिधर भी देखो। अली दा मुरीद हाथ चुके मेरे नाल अली अली दा विरद करें। तू राज़दारे खफी जली है जिधर भी देखो, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। तू राज़दारे खफी जली है जिधर भी देखो अली अली है। गवा मदीने की हर गली है जिधर भी देखो अली अली है। बस इस हवाले की आखिरी गल सुन लो, फिर मैं तुहानू हौले करबला दा चलना। बंदा आया मौला अली कोल, कहने लगा अली मैं तेनू 10 सवाल पूछने ने, तेनू एक दा भी जवाब नहीं आना। फरमाया क्यों? कहने लगा सवाल मुश्किल ही बड़े ने। मौला अली ने फरमाया किन्ने? कहने लगा बड़े मुश्किल ने अली, तेनू तो सवाल दा जवाब नहीं आना। इमाम हसन पे खेड़दे सन बचपन सी इमाम हसन दा। मौला अली फरमान लगे हसन बेटा जरा इधर आओ ना। इमाम हसन आके बाबा दी गोदी च बैठे तो मौला अली उस बंदे नूं फरमान लगे ओ जिहड़े तेरे मुश्किल सवाल ने ना ओ मेरे हसन कोल पूछ लो। ओ बंदा वेख के कहण लगा लिए ते बच्चा है। फरमाया बच्चा है पर अली दा बच्चा है। मौला हसन ने फरमाया सवाल पूछ। कहने लगा पहला सवाल ये वे कि अल्लाह ने कायनात सब तो सख्त चीज ते ताकतवर चीज कीड़ी बनाई? आपने फरमाया पत्थर। कहने लगा पत्थर नालों सख्त की बनाया? फरमाया लोहा, क्योंकि वो पत्थर को भी तोड़ देता है। कहने लगा लोहे नालों सख्त की है? फरमाया आग, क्योंकि लोहे को पिघला देती है। कहने लगा अग नालों ताकतवर की है? फरमाया पानी, जेड़ा अग को बुझा देता है। कहने लगा पानी नालों ताकतवर की है? फरमाया बादल, जेड़े पानी को उठा के फिरते रहते हैं। कहने लगा बादल ताकतवर की है? फरमाया हवा, जिहड़ी बदलन उड़ाई फिरती है। कहने लगा हवा नालों ताकतवर की है? फरमाया हवा दा फरिश्ता, जिहड़ा हुक्म देंदा ते हवा टुर पैंदी है। कहने लगा उस फरिश्ते नालों ताकतवर की है? फरमाया मलकुल मौत, जिहने उस फरिश्ते नूं मार देना है। कहने लगा ते मलकुल मौत नालों ताकतवर की है? फरमाया मौत, जिहने उहनूं भी मार देना है। ते कहने लगा मौत नालों ताकतवर की है? फरमाया मेरे रब दा हुक्म, जिहड़े हुक्म नाल मौत आउंदी है। वो बंदे दे सवाल खत्म हो गए, उठ के टुर पे ते मुड़ के कहंदा इन्हां दे ते बच्चियां दा ये हाल है। तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। कहण लगा इन्हां दे ते बच्चियां दा ये हाल है ते जिहड़े अली दे बच्चियां दा ये हाल है। उस अली दे क्या कहने ते जिस अली ने मुहम्मद दी जुबान चूसी उस मुहम्मद दे क्या कहने। मौला अली को लेकर बंदा आके कहने लगा अली तेन जेड़ा भी सवाल करिए तो बगैर सोचे ही जवाब दे देना, सोचता क्यों नहीं? मौला अली उन्हें फरमान लगे तेरे हाथ दियां उंगलियां किनियां? कहने लगा 5। मौला अली फरमान ने तू क्यों नहीं सोच के जवाब दिता? कहने लगा सोचने की लोड़ ही कोई नहीं, हाथ हर वेले कोल है ते सामने रहिंदा, मैनूं पता उंगलियां 5 ही होंदियां ने। आपने फरमाया फिर मैं भी क्यों सोच के जवाब देवां? फरमाया जिवें हाथ तेरे सामने रहिंदा कायनात अली दे सामने रहिंदी है। कहने लगा मान गया, जिधर भी देखो अली अली है। मेरी मिल्लत नौजवानों आज उस अली दे पोते दा जिक्र करना। मैं जिक्र अली इस वास्ते कीता कि चूंकि महफल सुनियां दी है ना, जिक्र शुहदा करबला है ना, रजब दा महीना भी है, मौला अली दी विलादत दा दिन भी गुजरे ते ना असी जिक्र अली करिए साडा सुनियां दा गुजारा नहीं होंदा। आओ हुन ऐसे ही अली दे पोतरे दा जिक्र करिए। नौजवानों करबला दा मैदान है, बारो बारी सारे टूट गए, एक एक करके मेरे इमाम ने सारे भेजे। तुसी शेर पढ़ दो ना, वो जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने हक करबला का अदा कर दिया। वो केड़ा वादा थे, केड़ा वो हक सी। अल्लाह ने मेरे नबी ने एक पुत्र अता कीता ते मेरे नबी ने पुत्र दा नाम रखा इब्राहीम। सच्ची दस्यो पिंड वालिओ किन्ना को सोहना होवेगा जेड़ा मुहम्मद दा पुत्र होवेगा। जे याकूब दा पुत्र यूसुफ एडा सोहना, मैनू सच्ची दस मुस्तफा दा पुत्र कितना सोहना होगा। एक दिन नबी करीम ने अपने पुत्र इब्राहिम नु बाएं जानो ते इमाम हुसैन नु दाएं जानो ते बिठाया ते हुजूर कदे पुत्र दा मुंह चुमदे कदे दोतरे दा मुंह चुमदे। अचानक जिब्रील दरवाजे च खड़े। मौलाना जामी फरमाते ने मेरे नबी जिब्रील नु फरमाया किधर आए हो? अर्ज कीती सोनिया पुत्र प्यारा है कि दोतरा प्यारा है? मेरे आका दुआ बलबे के फरमाया जिब्रील मेरे दोवें पुत्र ने, दोवें मेरे वेड़े दी रौनक ने, मेनू दोवें प्यारे ने। अर्ज कीती सोनिया फिर रब कहंदा जेड़े तेनू प्यारे हो सानू भी प्यारे ते इंज ना करिए सोनिया एक प्यारा तुसी रख लो एक सानू दे दियो। नबी पाक रोन लग पे खेड़ा देवा खेड़ा देवा। कौलाद वाली ने रोके फरमा जिब्रील मेरा पुत्र ही ला जाओ। मेरा पुत्र गया मैं रोवांगा, हुसैन गया फातिमा रोएगी। फरमाया मैं रो लवांगा, मेरे कोलों अली ते दारा रोंदे वेखे नहीं जाने। इन्हां दिल दे बाद नबी दे पुत्र दा भी साल होया। नबी करीम अपने पुत्र दी लाश चुक के रोंदे रहे। कदे पुत्र दा मथा चुमदे ने, कदे पुत्र दे लब ते रुखसार चुमदे ने, कदे पुत्र नूं सीने ला के रोंदे ने। मियां साहब फरमांदे ने टुर गए ने दिलदार दिला दे बदनू चुके मुहारा उजड़ी बस्ती नजरिया कंड दी जद यारा वाली पुत्र तू जलास चुके रोंदे रहे। नौजवान जड़े वेले जनाजा पढ़ के पुत्र नू दफन करके घरे आए। कमली वाले अपने पुत्र दियां यादां च पे रोंदे ने। ए यार जिना दे प्यारे विछड़न ते कौन रोवे मुड़ थोड़ा जिसदा नाम बिछोड़ा। कमली वाले अपने पुत्र दियां यादां च पे रोंदे ने। इमाम हुसैन बच्चों च खेलदे नाने कोलों गुजर गए। मेरे आका नूं अपने पुत्र दी याद आई। अज कदे पुत्र ही हुंदा सीने नाल लग जांदा। मेरे आका ने बादू फैला ले फरमाया हुसैन आ जा नाने दे सीने नाल के लग जा, तेरे तो मैं पुत्र कुर्बान कर छड़िया। हुसैन ने आके नाने नूं जफा मारिया। अर्ज कीती नाना रोना तुसांदे एक कुर्बान कीता है बेलाया लैन दे मैं सारे ही कुर्बान कर देवां। अर्ज कीती सोनिया तू मेरे तो एक पुत्र वारिया ना, मैं तेरे तो सारे पुत्र ही वार देवां। फिर वारी आई ना करबला आई तो वादा सी जिसने नाना का वादा वफा कर आई वादा सी आखे सोने मैं तेरे तू सारे वार देवांगा। फिर वारो वारी सारी टुर गई। उस हुसैन दे मैं तेनू की हौसले सुनावा। वो घर च एक लाश होवे ना, एक लाश एक मैयत होवे ते रात नींद नहीं आउंदी। ओदे वेड़े च 72 लाशां दा डेरे 72 लाशां एक भी बेगानी नहीं, सारे ही अपने। सामने पुत्रा दिया लाशा, सजे पासे वीरां दिया लाशा, खब्बे पासे भांजे ते भतीजियां दिया लाशा ते पिछे गुलामां दिया लाशा। लाशा दा ढेर लगा के ना ते आसमान वाल वेख के बस इन्ना ही पे पुछदे ने ते कहंदे ने राजी हैं तुसीं नहीं समझे। एक तकलीफ आ जाए तो लोगों के खुदा की जात तो माजल्ला शिकवे नहीं मुकदे। 71 लाशां का ढेर लगे तो रब नूं फिर भी पे पुछदे ने राजी हैं तू आबाद हुसैन तू राजी है तू राजी है। अर्ज कीती अल्लाह मैं अकबर दे के भी राजी हां, मैं असगर दे के भी राजी हां, मैं कासिम दे के भी राजी हां, मैं अब्बास दे के भी राजी हां, मैं मुहम्मद दे के भी राजी हां, मैं हबीब इब्ने मुज़ाहिर दे के भी राजी हां, मैं अपना हुर दे के भी राजी हां। अर्ज कीती अल्लाह तू राजी है। अल्लाह ने फरमाया इरजी इला रब्बिक रादिया का मर दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरी रजा मच राजी रहने वाले आओ, तू ते मेरी रजा तुम्हारे चले आए हैं, मैं तेरे ते राजी हूं, जेड़ा कयामत तक तेरे ना ते मर जाए मैं ओदे ते भी राजी, कयामत तक जेड़ा तेरे ना दा नारा मार के मर जाए मैं रब ओदे ते भी राजी हां। देखो करबला अंदर किड्डा खेड़ हुसैन ने खेड़या लोको, जाना दी मंडी हुसैन लाके दीन नाने दा विकदा ही ले लिया, पुत्रा दे मुंह चुम के आए हो ना, जाके भी चुमोगे रब सारे दे नसीबा च करे, पर तेरे मेरे पुत्र एडे लड़ ले ते सोने ते नहीं जेडे हुसैन दे पुत्र लड़ ले कोई यार एडे सोने। हां मैं केड़ा रंग देवां, 6 महीने दा असर होवे ते हलके च तीर लगया होवे, कंडा चुभे ना बच्चे दे पैर विच ते मां तड़प जांदी, बाप दी अख च अथरू आ जांदे ने, मेरे पुत्र नु कंडा चुभ गया, तीर हलके च लग गया, फुल नालू नाजुक पुत्र ते हलके च तीर खुभ गया। हुसैन ने पूरा जोर लगा के पुत्र दे हलके च तीर खिंचया ते तीर दे नाल ही असगर दीयां रगां भी बाहर आ गईयां। हुसैन दे पुत्र ने आखिरी हिचकी लई ते रूह परवाज़ कीती ना, मेरे मामा अपने पुत्र दी लाश दे उत्ते सकीना दा दुपट्टा दे के खैमे च लेके आई, सकीना दौड़ के आके ना ते निक्के जे वीर नु चुकया ते कदे खैमे च इधर जावे ते कदे इधर जावे। उस 7 साल दी मेरे इमाम दी सकीना 6 महीने दे वीर नु लोरियां पे देवे, मेरे इमाम देख के फरमाते ने सकीना की पे कर कहने लगी बाबा 3 दिन दा प्यास ना रो के सुता नहीं सी, पानी पी के सो गया, मैं लोरियां देनियां उठ के रोवे। मेरे माम ने पुत्र फड़ के सीने ला लिया, फरमाया सकीना हुण तेरा वीर कभी भी नहीं रोवेगा। असगर दा मत्था चुम के फरमाया मैं सुबह दी किसी दी कबर नहीं बना सकिया ते जांदा तेरी कबर ना बना जा, गरीब तू गरीब दा भी कोई मर जाए ना ते 4 लोग जनाजे नू कंधा देन ते आ ही जांदे ने, ओदे सारे टुर गए, ओदे सारे टुर गए ते जनाजे नू कंधा देने वाला भी कोई नहीं, पुत्रां दी लाशां आप चुक के ले आए। यार कुरान ने फरमाया वबयद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, अल्लाह दे नबी याकूब दा एक यूसुफ विछड़िया, एक यूसुफ ते कुरान च रब ने फरमाया वबयद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, अल्लाह फरमांदा हुज़न ते दुख नाल बाप दी अखां दी बिनाई चली गई ते बाप अखां तो नबीना हो गए। पढ़ियो लिखियो मैनू सच्ची दसो ओ याकूब दा एक यूसुफ विछड़िया ते अखां नबीनियां हो गईयां, हुसैन दे ते सारे यूसुफ ही टुर गए, हुसैन दे ते सारे यूसुफ ही टुर गए, पर उस हुसैन दे हौसले विच असगर दी लाश नू करबला दी तपदी रेत रख के ना 6 महीने दे पुत्र नू ते आपने निक्की जी कबर खोदी तत्ती रेत विच, कदे कबर वल वेखदे ने कदे असगर वल वेख के फरमांदे ने खबरे मैं तेरे च असगर रख के नहीं चलिया, हुसैन अपना कलेजा रख के चलिया। मेरे इमाम ने पुत्र दी लाश चुक के कबर च तपदी रेत च रखी ते हुन एडी गर्म रेत पुत्र दे चेहरे ते पावन दा जी ना करे, नीमा होके मत्था चुम के फरमांदे ने बाबा दी जाने कबर च कलें डर के रोवी ना, मैं तेरा बाबा तेरे पीछे पीछे भी आया हूं। मेरे इमाम ने कबर बनाई, असगर दी छोटी जी कबर बना के उठ के असरा करके झोली छाड़ी ते मदीने वाल मुंह करके कहते ने इन्नल तैयार हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्ले सलामी रोज़तन फीहा नबीयुल मुहतरम, फरमा दे हवाए जे तेरा मदीने च गुजर होवे ते मेरे नाने नु मेरा सलाम करके आखी सोने वादे पूरे हो गए तो एक पुत्र वारे सी आवेख मैं तेरे तो सारे पुत्र ही वार देते सारे वार देते। नौजवान मेरे इमाम बार बार करबला जाम की तैयारी कर देने ते कोई ना कोई सामने आके कहते लाजपाल मेरे होंदे तुसी ते ना जाओ, मेरे इमाम कदे किसी ने भेज देने कदे किसी ने, सारे टुर गए ना। हुण मेरे इमाम अपनी तैयारी कर लगे ते 18 साल का जवान पुत्र अली अकबर शहजादा खैमे दे अंदर आया, वो अली अकबर जिन्हों मदीने दे लोग अली अकबर नहीं सन कहते, मदीने लोग उन्होंने शबीह मुस्तफा कहते सन, तस्वीर मुस्तफा कहते सन, उसकी सूरत अपने नाने नाल इतनी मिलती सी कि जो नाने वर्गी दस्तार बन के दादी के हुजरे चो निकलता है तो वेखन वाले नूं इंज लगता जिवें मक्के दियां पहाड़ियां चो आमना दा चन पिया चढ़दा है, उसकी शक्ल मुस्तफा नाल इतनी मिलती सी। कुरान दा एडा सोना कारी कि जदों मदीने सैयदा ज़हरा पाक अपनी दादी दे हुजरे च बैठ के कुरान पढ़दा ते ओदा कुरान सुनन वाले दे मदीने दी गलियां च मेले लग जांदे सन। एडा हुसैन दा लाडला पुत्र 18 साल दा जवान पुत्र सामने आया। लोगो 18 साल जेडे बूटे नूं पानी दिता होवे ना ओ दरख्त भी कटण नूं दिल नहीं करदा ते जिने 18 साल अकबर पालिया होवे 18 साल अकबर पालिया होवे। मैं सियालकोट के बाजार च वेख्या कि वडेरा जा बाबा बालों ते बिखरे भाई गुलाम मुस्तफा संधू साहब बाबा बाजारां च रोवे ते आखे हायो मेरा पुत्रा हायो मेरा पुत्रा हायो मेरा पुत्रा। मैं लोगों ने आख्या बाबा पढ़िया लिखिया लगता पर की करता। उन्हें आख्या आसी साहब ये स्कूल का हैड मास्टर सी हाई स्कूल का पर एदा जवान पुत्र मर गया। पुत्र जवान मर गया तो बाबे का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया पागल हो गया। हुण गलियां च फिरदा ते कहंदा हायो मेरा पुत्रा हायो मेरा पुत्रा। मैनू ख्याल आया एक पुत्र गया ते आ हाल हो गया। ओ हुसैन दे ते सारे टुर गए ओदे ते सारे गए पर वाह हुसैन मैं तेरे हौसले तू कुर्बान। 18 साल दा अकबर आया ना ते आके खैमे च बोल के अर्ज की बाबा मैं अज 18 साल दा हो गया। मेरे इमाम ने फड़ के सीने ला के मत्था चुमया फरमाया माशाल्लाह मेरा पुत्र जवान हो गया। शहजादे अर्ज की बाबा 18 साल मैं कदे कुछ मंगया तो नहीं तुसी सुबह काम ते जाते हो तो पुत्र लाडला होवे ते कहंदा अबू जी शाम को मेरे लिए फलां चीज़ लेके आना तो शाम नूं तुसी घर जाओ तो दिल करदा सुबह पुत्र ने आख्या सी मैं वो चीज़ लै ही जावां मेरे लाडले ने आखे। यार हुसैन दे पुत्र जदों 18 साल दे ने पुछया होवेगा अबू जी मैं कदे कुछ मंगया तो नहीं। मेरे इमाम ने पिछले 18 साल मल छाती मार के वेखिया ते ख्याल आया ते एडा लाडला ने ते वाकई कदे कुछ मंगया ही नहीं। मेरे इमाम ने फड़ के सीने ला के फरमाया अकबर बाबे दिए जाने कदे मांग के वेखते सही मैं सारी कायनात तेरी जुल्फ दे कुंडल तो वार दे। शहजादे ने हाथ जोड़ के उसकी थी बाबा मैं कुछ नहीं लेना आया बस करबला जाने दी इजाजत लेना आया। तारीख करबला च पढ़िया के करबला च दो मौके आए जो तो मेरे इमाम गश खा के जमीन ते तशरीफ लगे। पहला मौका उदू आया जदों इमाम हसन का पुत्र शहजादा कासिम इजाजत लैन आया ते आपने फरमाया तेनों वेखना ते वीर याद आउंदे। ते दूसरा वेला उदू आया जदों शहजादा अली अकबर इजाजत लैन आए ते रो के फरमाया तू आना है तेनों वेखना नाना याद आउंदे। तो मेरे नाने की तस्वीर है तेनों किवें जान देवां। मेरे इमाम गश खा के जमीन ते तशरीफ लाए पुत्र ने कदम चुम चुम के बाबे नूं जगाया। मेरे इमाम उठ के ना ते अकबर नूं करीब बिठा के ते बड़े प्यार नाल समझा रहे फरमाते ने अकबर पुत्रा तू अजे बाप नहीं ना बनिया पुत्र तेनू नहीं पता बाप दे जज्बात किवें दे होंदे ने। ते बड़ी शफकत नाल फरमाते ने बेटा अली अकबर तेनू नहीं पता जदों पुत्र जवान होण ना ते मापियां दीयां सदरां जवान हो जांदियां। जदों पुत्रां दे वाल काले होवन ते पिओां दे चिट्टे हो जांदे। ओ पुत्रां दी कमर सिधी होवे ते पिओां दी झुक जांदी। जदों पुत्रां ते जवानी दी बहार आवे ना ते पिओ दे उत्ते बुढ़ेपे दी खिज़ां आ जांदी है। ते रो के फरमाते ने पुत्र तेनू नहीं पता जो पुत्र जवान होन ना ते वडेरे प्यों के जनाजे चुकते हैं पर जे किसी वडेरे बाप नूं जवान पुत्र का जनाजा चुकना पै जाए ना वो बाप जूंदा ही मर जाता ही। फरमाया मेरे को ना तेरी जवान लाश नहीं चुकी जानी अकबर तू जान दियां गल्लां ना करी पुत्र मेरे को तेरी लाश नहीं चुकी जानी। शहजादे ने हाथ जोड़ के अर्ज की बाबा जे तुहाडे कोल मेरी लाश जवान नहीं ना चुकी जानी ते मेरे कोल भी बुढ़े बाप दा सिर नेदे दी नोक ते चढ़िया नहीं वेखिया जाना। बाबा मैं भी नहीं वेख सकना कि मेरे बाप दे सिर तो नाने दी दस्तार जमीन ते डिग पवे मैनू जा लैण दिओ। तरले कर दे हजरत शहजादा अली अकबर तरले कर दे ते रोंदे ने नाले रो के अर्ज़ करदे ने बाबा अपने भी गए बेगाने भी टुर गए। अर्ज़ की बाबा कल लोगों ने आखना है करबला हुसैन अपने पुत्र बचाओ वाले लोगों के पुत्र मरवा दिते। अर्ज़ की बाबा जदों क़यामत दा दिन आवेगा भुखो ज़ैनब अपने अपने पुत्रां दियां लाशां वखा लैनियां अब्बास चाचे दी मां ने अपने पुत्र दी लाश वखानी आई निके जे उसका ने अपने फलक दे तीर खाने ने कासिम ने अपनी टुटलियां पसलियां वखा लैनियां ने मैं अर्ज करदे ने बाबा ओनु मुहम्मद ने अपना बचपन लुटिया वखा लेना है बाबा मैं दादी नू की वखावांगा अर्द की बाबा मैनू जाओ लैन दो अर्द की बाबा इस जवानी में मुहम्मद वार ना जाना वा मेरे इमाम ने पुत्र नू सीने लाया बेटिया के बार मन दे नहीं फरमाया पुत्रा कि मैं जान देवा जदू तू दुनिया दे आया है तेरी फुफो जैना मेरे घरे आई कह लगी पीरा जदू भतीजे आते हैं भाई अपनी बहनों तोहफे देंदे ने ते वीराज मेरा भतीजा आया है अज मैं तेरी बहन आई हां तेरे बेड़े आई हां पापा मौला अली ने कदे मैनू खाली नहीं भेजा अपनी ज़ारा ने कदे खाली नहीं भेजा पीर हसन ने कदे खाली नहीं भेजा ते वीरा तेरी बहन आई है सखी मैं खाली नहीं हो जाना मैं पूछा ज़ैनब की लैने आई है तेरी फुफा ज़ैनब ने हाथ जोड़ लाए ते कहन लगियां वीरा जे कुछ देना ही मैनू अपना अली अकबर दे दे पुत्रा तेनों मैं जो के तेरी फुफो की गोदी च रखे आओ पुत्र मेरा है पर पालिया ज़ैनब ने में क्या पर पुत्रा जे अज फुफो इजाजत दी जाओ मैं तेन इजाजत दे देना शहजादा अली अकबर टुरे टुरे फुफो के खेमे दे अंदर आए हुण सैयदा ज़ैनब ने दो पुत्रां दियां निक्कियां निक्कियां लाशां रखियां ने कदे आउण दा मूंह चुमदी कदे मुहम्मद दा चुमदी नाले फरमादियां मैं उठो ते जांदी वारी मां सीने लग जाओ ते जांदी वारी मां कह दो इधर शहजादा खेमे दे अंदर आए सैयदा ज़ैनब ने उठ के सीने नाल लाया फरमादियां वे अकबर किधर आया अकबर ने फुफो नूं जफा मार लिया अर्ज करदे ने फुफी अम्मा सखियां दी दोतरी सखियां दी बेटी है सखियां दी बहन आप भी सखिया है तेरे दरवाजे कदे कोई खाली नहीं गया फुफो जान मैं भी सवाली बन गया सैयदा ज़ैनब सीने लाओ के मत्था चुमे आओ फरमादियां वे अकबर पुत्रा वे फुफो कोलों पानी ना मंगी अज पानी कोई नहीं अज मेरे कोलों खाना ना मंगी ते अज खाना भी कोई नहीं अकबर जान मंगेगा दे देवांगी अकबर ने हाथ जोड़ ले अर्ज की पुत्री अम्मा मैं जान लैन नहीं आया मैं ते जान देन दी इजाजत लैन आया पुफी अम्मा मैनू करबला जा लैन दे सैयदा चीख मार के बेहोश हो गई इमाम अली मुकाम दौड़ के समय दे अंदर आए फरमाया अकबर पुत्रा फुफो दे कदमां ते होंठ रख दे अकबर ने फुफो दे कदम चुम चुम के जगाया सैयदा ज़ैनब उठ के सीने ला लिया फरमादियां वे अकबर पुत्रा ते जान दियां गल्लां ना करी ते फुफो मर जाएगी तेनू बड़े चाव नाल पालदी रही ते तेनों वेखनियां पुत्तर भुल जांदे ने ते मैनू पुत्रा नालों भी प्यारा है तेनू नहीं जाउण देना ते तेनों वेखनियां नाना याद आउंदा ई अकबर जान दियां गल्लां ना करी फुफो मर जाएगी शहजादा अकबर खेमे दी नुक्कर च बह के रोन लग पई सैयदा करीब आके फरमादियां वे अकबर क्यों रोना है अर्ज कीती फुफी अम्मा मदीने ते कहंदियां सो अकबर मैनू पुत्रा नालों भी प्यारा है फरमादियां वे मैनू वाकई पुत्रा नालों प्यारा है अर्ज कीती फुफी अम्मा जे मैं पुत्रा नालों भी प्यारा वा अपने पुत्रा नू शहीद करा लिया जे फिर मैनू भी जा लैन दे मैं भी शहादत दा जामनोश करना है सैयदा ज़ैनब ने मत्था चुमया फरमादियां एवें दियां गल्लां ना कर ते फुफो दी जाने जा मैं तेनों नाने दे सुपुर्द करनी सलाबाद वाले तजकोट वाले जेड़े वेले सैयदा दा नब ने इजाजत दी मेरे इमाम अपने पुत्र नु खेमे दे अंदर लेके आए। जवान पुत्र दे सिर ते दस्तार बनी अपने पुत्र नु सोना जलीबास पहनाया, करबला ते हुरां दा दूल्हा बनाया। अज सवेरे पुत्र मावा तैयार कर दिया ने ते मावा स्कूल लई तैयार करके फरमादियां ने ते जा जांदी वारी जरा अबू नु मिल के आओ ते जांदी वारी दादी नु खा के आओ। मेरे इमाम ने पुत्र नु तैयार कीता, फरमाया पुत्र अकबर जा अम्मी नु खा के आओ। अकबर शहजादा टुरे टुरे मां दे खेमे दे अंदर आए। ओए मावा वाले अपनी मावा नाल प्यार करन वाले जेड़े वेले इमाम अली अकबर अपनी मां हजरत उम्मे फरवा दे खेमे दे अंदर हजरत उम्मे लैला दे खेमे दे अंदर आए। उम्मे लैला ने अकबर नु सीने लाया, फरमादियां अकबर किधर आया है। अकबर ने हाथ जोड़ ले कहन लगे अम्मा बोलिया चलिया माफ करया दे अम्मी तेरा अकबर टुर चले आई। ओए अज पुत्र टुर दे मामा स्कूल भेज दिया ने मामा कहदियां वे खरी जाओ वे खरी आओ। मामा कहदियां ने मैं ततीवा ना लगे पुत्र टुर दे मामा सदके देंदियां ने। ओए मामा कहदियां रब्बा जांदे दी कंड वेखी आउंदे दा चेहरा वखा देवीं। ओए मामा पलावां लैंदियां ने मामा सदके देंदियां ने। अकबर दी मां दे हौसले तू सदके जावां सीने ला के फरमादियां अकबर पुत्रा दे खरी जावे खरी आवे नहीं कवांगी बस ना कवांगी अज टुर चले मां दी लाज रख के आना। अकबर ने मां दे गले बावां पाइयां। ओए मामा बैठियां स्कूले भेज दियां ने तुसी भी जदू स्कूल जांदे रहे हो ते मामा बड्डे नु कहदियां ने निक्के दा ख्याल रखना निक्के नु कहदियां बड्डे दे नाल रहना ते कहदियां वे इकट्ठे जाया जे इकट्ठे ही आया जे। मामा ते पुत्रां दी खैरां ही खैरां मंगदियां ने। उस मां दे हौसले वेख किन्ने पुत्र टोरिया पर उन्हें जिंदगी दी दुआ नहीं दित्ती उन्हों एह नहीं आखेआ खरी जावे खरी आवे। उम्मे लैला फरमान लगी अकबर पुत्रा ते मां दी लाज रख के आना। अर्ज कीती मां लाज किवें रखी दी है। फरमादियां अकबर पुत्रा अब्बास ने अपनी मां दी लाज रखी और मुहम्मद ने अपनी मां ज़ैनब दी लाज रखी ते निक्के जे असगर ने अपनी मां दी लाज रखी। अपनी मां दी लाज रख के आना। अर्ज कीती मां लाज किवें रखी दी है। फरमादियां बाद बाबू कटे गए उन्हें है नहीं की कासिम दियां पसलियां टुट गई उन्हें है नहीं की। असगर दे हलके च तीर लगे उन्हें है नहीं की। उन्होंने मुहम्मद दियां लाशां ते घोड़े दौड़ गए उन्हें जाती वारी है नहीं की। अकबर 3 बजे है ना करी ते मां दी लाज रखनी जदू तेरी लाश खेमे दे अंदर आवे एक भी तीर कंड ते ना आवे सारे सीने ते खा के होने नी। अकबर ने मां जब मारिया कहन लगे अम्मा मैं तेरी इंज लाज रख के आवांगा कयामत तक पुत्र मेरे ते नाज करनगे मावा तेरे ते नाज करनगे तेरी इंज लाज रख के आवांगा। मैं तेरी अम्मा इंज लाज रख के आवांगा। उस मां दा हौसला वे 18 साल दे पुत्र नु टोरिया ते एह नहीं आख्या खैरी जावे ते खैरी आ। फरमादिया मैं क़यामत नु तेरी दादी नु मुंह वखाण जोगी हो जाए। ओ भी अली दे पुत्र ते दोतरे ते तू भी अली दा पुत्र है। अज सारियां मामा नाज करने ने कि मेरा पुत्र इंज कुर्बान होया ते मैं भी नाज करा मेरा अकबर इंज कुर्बान होया। मां इजाजत दी मेरे मां पुत्र नु खेमे च लेके आए घोड़ी ते बिठाया। जेड़ा मेरे ते तुहाडे तो अगला जमाना सी ते पुत्र दूल्हे बन के घोड़ियां ते बैठते सन ते खाला ते फुफियां ते बहना शगना दे गीत गांदियां सन ते शगना दे गाने बनदियां सन। उस मावा ते फुफियां तो सदके जावां जिन्हां ने शहादत दे गाने बन के टोरे। शहजादा अली अकबर जेड़े वेले घोड़ी ते बैठे ना ते मेरे इमाम थपकी देके फरमाते ने अकबर पुत्रा तो अली दा पुत्र है हाशमी खून है ते असी जेड़े हाशमी ते कुरैशी होने आना जो मैदान जिहाद च उतर जाइए ना तो या पुत्र जित के वापस आने तो या कुर्बान होके आने या जित के वापस आवी तो या कुर्बान होके आवी मुड़ वापस ना आवी खैमे वाली। मेरे इमाम ने पुत्र नूं टोरिया ना ते पुत्र टोरन लगा ते इमाम खैमे दे बाहर खलो गया। शहजादा अली अकबर जदों यजीदी फौज दे सामने आके खलोए ते अली दी कछार दा शेर गरजिया ना तो पेड़ा लखा भी होन शेर इको ही बड़ा होंदा। ते इब्ने साद जालिम पुछदे शिमर नु कहन लगा ए नौजवान कौन है? उन्हें आख्या तीर मारो कोई यजीदी तीर ना उठावे। उन्हें दूसरी बारी आख्या तीर चलाओ कोई तीर ना चलावे। उन्हें तीसरी बारी आख्या हमला करो कोई हमला ही ना करे। उन्हें पूछा तुसी हमला क्यों नहीं कर देते? सारी यजीदी फौजी बोल के कहने लगे लांतिया दो घड़ियां रज के वेख लैंदे इंज लगदा जिवें कमली वाले मुहम्मद सामने खड़े ने जिहड़े नबी दा कलमा पढ़िया उहदी सूरत नजरी आ रही इन्हूं किवें मारीए मुहम्मद अरबी दी शक्ल नजरी आ रही उहदी सूरत यानी मुस्तफा नाल मिलदी है कि यजीदी कहण लगे इंज लगदा जिवें हुसैन दी मदद वास्ते मदीना तो उहदा नाना मुस्तफा आ गया कोई यजीदी तीर ही ना उठावे। शहजादा अली अकबर ने देखा कोई हमला ही नहीं करदा। नौजवान अली दे पुत्रे ने जिहड़े वेले हमला कीता गाजर ते मूली फसल वांग यजीदियां नूं कटदे लगे जा रहे। जिधर जिधर अकबर दी तलवार जांदी है यजीदियां दे सिर उठदे नजरी आ रहे ने। नौजवान शहजादा अली अकबर जिधर जांदे ने यजीदियां दी दौड़ां लग जांदियां ने इंज सिर उठदे ने जिवें खिजा दरख्तां दे पत्ते उठदे ने। नौजवान इब्ने साउद ने सिमर नूं पुछया कौन है जेड़ा इंज पिया लड़दा है? शिमर बोल के कहन लगा अली दा पुत्र है एदा नाम अली अकबर है। इब्ने साउद दे लबां चों निकले आओ कहन लगा मन नहीं पवेगा शेरां दे पुत्र शेर ही हुंदे ने। नौजवान मेरे इमाम वेख के फरमांदे ने वाह पुत्रा बड़ा सोना पे लड़ना है। अचानक शहजादा अकबर खेमे वाले आ रहे मेरे इमाम नु ख्याल आया मैं आख्या सी पुत्रा वापस नहीं आई जाओ क्यों आ रहे मेरे इमाम इशारा कर देने वापस चला जाओ अकबर वापस चला जाओ। शहजादे अकबर ने उनके बाबा नु मारे आओ फरमाया अकबर की लाना है अपनी जबान कट के बखा के अर्ज की बाबा नहीं लड़िया जाता एक घुट पानी दे दियो मैं वादा करना वा अजी अजीदी घर कोई नहीं जान देवांगा। इमाम ने पुत्र नूं सीने दे नाल लाया फरमाया अकबर पानी ते कोई नहीं पर आजा मेरी जबान चूस ले इस जुबान मुहम्मद की जबान दे चूस लेने। शहजादे अली अकबर ने जेड़े वेले हुसैन अली मुकामी जबान चूसी हौजे कौसर दे लुत्फे आ गए। दादा दमे होके अली अकबर ने जदा हमला किया करबला दी रेत तूफान उड़िया कुछ भी नजरी ना आवे मां लला दा कलेजा कंब गया ते मां दी आवाज आई कहन लगियां लजपाला देखिया जे मेरा अकबर किथे गया है। मेरे इमाम फरमाते ने उम्मे लला होश करी आवे खजितर यजीदी पे दौड़ते जाते हैं पीछे तेरा ही शेर लगा है। नौजवानों मुहम्मद की कछार दा शेर कर गया। इब्ने साद कहन लगा कि इंज लड़दा रहे हो कयामत तक यजीदी पैदा ही कोई नहीं आवेगा। कहन लगे देखो दूर हट जाओ एदे ते तीरां ते नेज़ियां दी बारिश कर देना पत्थर मार के मारो। नौजवानों पत्थर पे मार देने अली दा लाल कल्ला हजारां यजीदी पत्थरां दी बारिश पे कर देने। एक यजीदी ने नेज़ा मारे नेज़ा आके पर दे दिल दे मुकाम ते लगी आओ, सीने क्यों पार गुजर गया, अखा यकी अंधेरा छा गया। अकबर ने आवाज दे के आखे आओ, कह लगे अदरिक निया बताओ, अपू जी मैनू फड़िया जे मेरे इमाम दियां दौड़ लगी गई आओ। अकबर ने खैमे वाल वेखे आओ, कह लगी अम्मा दस तेरी लाज रखी है कि नहीं रखी। उम्मे लैला रो के फरमा दिया अकबर पुत्रा ते पुत्रा लड़ी जाओ, तू मां नू बड़ा ही प्यारा है पर कमली वाला तेरे नालों भी प्यारा है। नौजवानों जड़े वाले शहजादा जमीन ते आने लगे, मेरे इमाम करबला वाले दौड़े, अपनी कमर ते हाथ रख ले आओ, फरमान लगे अकबर पुत्रा ताबे दा लग तोड़ चले हैं, नाले दाएं दौड़ देने कदे बाएं दौड़ देने। यजीदी कहने लगे हुसैन पुत्र सामने पिया तड़प गए, दाएं बाएं क्यों पिया जाना है। फरमाया जालिमो और पुत्र अखा दा नूर हुंदे पुत्र टुर जाओन खाना पीनिया हो जांदियां। फरमाया अकबर पुत्रा एक बारी पापा पुकार, मैं तेरा अबू पे आयो ना। अकबर ने पुकारिया अदरिक निया बताओ, अब्बा जी मैनू फड़िया जे मेरे इमाम आबाद वाल दौड़े, जाके अकबर दा सिर चुके गोदी च रखे आओ। अकबर ने अर्ज की बाबा तेरा सीना चुने दा खिचिया जे अज मैं यजीदी घर कोई नहीं जाना देना, मेरे इमाम ने नेजा खिंचे आओ, खून का फवारा निकले आओ। अकबर ने सराम से सीने पे हाथ रखे आओ, अर्ज की बाबा जाके नाने नु आखांगा देख ले तेरे दीन दे पौधे नु सीने दे खून देके आए आओ। नौजवान अकबर ने आखिरी हिचकी लई, अर्ज की बाबा जरा सीने लाया जे मेरे इमाम ने पुत्र नु सीने नाल लाया। अकबर इस दर्द नाल रोए, इमाम ने फरमाया अकबर पुत्रा तेनू कदे रोंदा नहीं वेखिया, फुफो नू मिलना खेमे च लै चलो, अपनी अम्मी नू मिलना खेमे च लै चलाओ, सकीना नू मिलना खेमे च लै चलाओ। अर्ज की बाबा मैं किसे नू नहीं मिलना। फरमाया अकबर रोना क्यों है। अकबर ने बाबा नू घुट के जब मारे आओ, अर्ज की बाबा मैं रोना लोगों मेरा अबू कला रह गया जे मेरा बाबा कला रह गया जे, हूरां दियां भी चीखा निकल गई आओ, मेरे इमाम दे पुत्र दी रूह बर्बाद कर गई, मेरे इमाम अकबर दी लाश नूं चुकण लगे, नाले आसमान वल वेखे आओ, देखे फरमांदे ने जिन्ना दुखां विच दिले भर रादी ते सुखियां ना थी वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शाओ इरादी रहन प्यारे के हाथ उठा के करो दुआ के अल्लाह पाक नया रे जवान पुत्र इसे डालों को अल्लाह पाक ना मार रे। करबला दे मैदान इमाम हुसैन दी उम्र मुबारक 56 साल 5 महीने ते 5 दिन। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन दी करबला दे मैदान 56 साल 5 महीने ते 5 दिन उम्र सी, ते जिसमें मुबारक ते एक वाल भी चिट्टा नहीं सी, सारे वाल अज काले सन। पर जदों अकबर दी लाश चुकन लगे तो जिसम के सारे वाल ही दुख नाल चिट्टे हो गए। सैयदा ज़ैनब वेख के रोक के फरमा दिया भाभी शहरबान ओ वेख मेरे वीर नूं पुतना दे गम बुढ़ा कर गया। मेरे इमाम ने लिया के अकबर दी लाश खैमे च रखी, सकीना ते मां सीने ते लेट गई। सैयदा ज़ैनब आवाज़ देके फरमा दिया, अकबर वे अकबर पुत्र अकबर। कोई आवाज ना आई तो रोके फरमा दिया, फुफो दिए जाने अगे एक बार बुलांदी सा 10 बार बोलता सा, अज फुफो बुलांदी है तो बोलता क्यों? नाले पुकार के फरमान लगिया, वफादार भतीजिया वे बोलत सही, वे मैं चुम लवा जुल्फ जंजीर तेरी, मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने, ओ अकबर भूलनी नहीं तस्वीर तेरी। माँ उम्मे लाला सीने ते लेट के फरमा दिया, लै वे पुत्रा हवाले रब दे, मैं राजी तेरे ते होई, विच दरबार नबी सरवर दे अज लाज मेरी रखी होई। इनू कहंदे ने नफ्स मुतमइना, कि सारी कायनात अख दे सामने लुटी गई, पर हुसैन इन्नल्लाह मा साबरीन दा विद कर रहे ते अल्लाह दा जिक्र कर रहे। इनू ही नफ्स मुतमइना कहंदे ने अल्लाह ताला दी बारगाह